महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पाशुपत नाम एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में सारे दैत्यों का सर्वनाश किया था। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए अर्जुन ने महादेव शिव की घोर तपस्या की। अर्जुन भगवान शिव से सबसे विध्वंसक अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। भगवान शिव का ये अस्त्र इतना घातक था कि इसके प्रयोग से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो सकता था। इस अस्त्र को पाने के लिए अर्जुन को महादेव से युद्ध भी करना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, एनी टाइम रीड पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए और जानते रहिए। एनी टाइम रीड की वॉरफेयर इन एंशिएंट इंडिया सीरीज के पहले एपिसोड में आइए जानते हैं पाशुपतास्त्र के बारे में और कैसे अर्जुन को यह दिव्य पाशुपतास्त्र मिला। भारतीय इतिहास में पाशुपतास्त्र अत्यंत विध्वंसक अस्त्र है, जिसके प्रहार से बचना अत्यंत ही कठिन है। यह अस्त्र महादेव शिव, माँ काली और आदि पराशक्ति का अस्त्र है, जिसे मस्तिष्क, आँख, शब्द से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। पशुपति शब्द का अर्थ होता है शिव या वो जो सभी जीवितों का भगवान हो। पशुपतास्त्र के सामने कोई भी जीवित या मृत चीज टिक नहीं सकती। यहाँ तक ये भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर को भी निगल सकता था। पशुपतास्त्र की शक्ति ऐसी थी कि इसे कम दुश्मनों या कम योद्धाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना किया जाता था। पशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। यह पशुपति नाथ का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की रचना से पहले ही घोर तप करके आदि पर शक्ति से प्राप्त किया था। इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। त्रिमूर्ति में महादेव शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं। इसका उपयोग वे दुनिया के अंत में सब कुछ नष्ट करने के लिए करते हैं। रामायण में ऋषि विश्वामित्र और मेघनाथ और महाभारत में केवल अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था। अर्जुन को पाशुपतास्त्र कैसे मिला? महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने महादेव शिव से इसे प्राप्त किया था। पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या पर जाने के लिए श्री कृष्ण की सलाह का पालन करने के लिए अर्जुन ने अपने भाइयों से विदा लेकर तप के लिए चले जाते हैं। विजयवाड़ा के इंद्र के लांद्री पर्वत पर पहुंचने से पहले अर्जुन ने कुछ समय के लिए यात्रा की। उसके उपरांत वह महादेव की तपस्या के लिए बैठ गए। अर्जुन अपनी घोर तपस्या से कुछ ही महीनों में महादेव को प्रसन्न करने में सफल रहे। हालांकि महादेव ने किरात अवतार लेकर पहले अर्जुन की परीक्षा ली थी और इसके बाद ही पशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था। दूसरी ओर अर्जुन की तपस्या के बारे में ज्ञात होने पर दुर्योधन ने अर्जुन को मारने के लिए मूकासुर नाम के एक राक्षस को भेजा। अर्जुन की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए दानव मूकासुर ने जंगली सूकर का रूप धारण कर लिया। अर्जुन ने सूकर पर बाण चलाकर उसे मार डाला। उसी समय एक शिकारी के वेश में प्रकट हुए महादेव शिव ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। महादेव ने शिकारी के वेश में अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये आज तक उनके बाणों से कोई नहीं बचा। तभी वनवासी ने अपना तीर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया और तीर लगते ही अर्जुन बेहोश हो गए। होश आने पर अर्जुन और वनवासी रूपी महादेव तलवारबाजी और कुश्ती में शामिल हो गए। महादेव ने कई बार अर्जुन को उठाकर नीचे गिराया, फिर भी अर्जुन उठ खड़ा हुआ और आक्रमण करने को तैयार हो गया। इन सब से पूर्व अपना तप शुरू करने से पहले अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। द्वंद्व युद्ध समाप्ति पर अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। अंत में अर्जुन ने समझ लिया कि शिकारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं और उन्होंने फिर क्षमा के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने अर्जुन को अपना वास्तविक अवतार दिखाया और उन्हें पशुपतास्त्र का वरदान दिया।
महादेव ने अर्जुन को विजय नाम से भी संदर्भित किया। भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र की क्षमता के बारे में मार्गदर्शन दिया, साथ ही अर्जुन को यह भी ज्ञान दिया कि किस प्रकार पाशुपतास्त्र उपयोग करते समय अपने विवेक का वास्तविक उपयोग करें। पाशुपतास्त्र प्रदान करते समय भगवान शिव ने अर्जुन से कहा था कि ये अस्त्र किसी भी मनुष्य, देवता, देवताओं के राजा यम, यक्षों के राजा वरुण किसी के पास भी नहीं है। इस अस्त्र को किसी कम योद्धा या कम ताकतवर दुश्मन पर चलाया तो ये तीनों लोगों की चल अचल संपत्ति सबको नष्ट कर देगा। उल्लेखनीय यह है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कभी भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया था। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। ऐसे और भी रोचक एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक भी कर दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। एपिसोड के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।